हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसूर दाल और चावल से बना हुआ होममेड उबटन। इसको आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। मसूर दाल के अंदर मेलेनिन प्रोडक्शन को कम करने की काफ़ी पावर्स पाई जाती हैं और हमारी स्किन को निखारने की प्रॉपर्टीज़ भी मसूर दाल के अंदर होती हैं। हमारी स्किन पर जब मेलेनिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो स्किन पर कालापन नज़र आने लगता है, उसको ये मसूर दाल कम कर देती है। और मैंने मसूर दाल को और चावल को कई घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और ये अच्छे से भीग चुके हैं। अब इसको हम पीस के अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले हम मसूर दाल का पेस्ट बना लेंगे। मसूर दाल हमारी स्किन से मुहासों को दूर करती है और हमारी स्किन से ब्लैक हेड्स को दूर करने का अच्छा काम करती है और स्किन पे अच्छे क्लींजर का और स्क्रब के रूप में भी काम करती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन हमारी स्किन का बढ़ जाता है और चेहरे पर निखार बढ़ने लगता है और स्किन से कालापन दूर हो जाता है। तो उसके बाद इसमें हम चावल को भी ऐसे ही पेस्ट बना लेंगे। चावल के अंदर भी स्किन वाइटनिंग की प्रॉपर्टीज़ होती है और हमारी स्किन के पोर्स को अच्छे से क्लीन करके स्किन के पोर्स को टाइट कर देता है चावल का आटा और ये चावल का पेस्ट भी, और इसमें स्किन को निखारने की प्रॉपर्टीज़ हैं। इस उबटन को बनाने के लिए सबसे पहले हम जो हमने मसूर दाल का पेस्ट बनाया था इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 या 2 चम्मच। और मसूर दाल हमारी स्किन से पिगमेंटेशन को दूर करती है, तो इसके उबटन को आप, अगर आपकी शादी होने जा रही है, अगर आप शादी या पार्टी में जाने वाले हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी स्किन को ग्लोइंग और निखारने में काफ़ी हेल्प करती है मसूर दाल। और इसके बाद हम इसमें 1 या 2 चम्मच चावल का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। हमारी स्किन की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को चावल का ये पेस्ट दूर कर देता है और स्किन को निखारने में, स्किन के ग्लो को बढ़ाने में, अनइवन टोन को इवन करने में भी हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं मसूर दाल और ये चावल का पेस्ट। इसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे हम कस्तूरी हल्दी। हल्दी के बिना कोई भी उबटन या फेस पैक अधूरा होता है और जैसे भी शादियों में भी घरेलू उबटन में हल्दी ज़रूर यूज की जाती है। स्किन को ब्राइट करती है, स्किन को फेयर करती है और मुहासों के जो भी दाग धब्बे होते हैं, डार्क स्पॉट होते हैं, उनको लाइट करने का अच्छा काम करती है और स्किन पे मुहासों को बढ़ने से रोकती है हल्दी। तो हल्दी को आप इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैं 1 या 2 चम्मच दही लेंगे। मसूर दाल के अंदर और दही के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, कुछ सोर्स विटामिन सी का भी होता है, जो हमारी स्किन की ब्राइटनेस को बढ़ा के स्किन को नरिश करती हैं, स्किन को मॉइस्चर करती हैं और स्किन की ड्राइनेस को दूर करके डल स्किन को रिड्यूस कर देती है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच हम इसमें चंदन पाउडर ऐड कर लेंगे। चंदन पाउडर में एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और हमारी चेहरे से दाग धब्बों को दूर करके चंदन पाउडर हमारी स्किन में कसावट लेके आता है, स्किन को टाइट कर देता है। और उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे हम टमाटर जूस। टमाटो जूस के अंदर सैलिसिलिक एसिड होता है, जो हमारी स्किन के जो पोर्स हैं उनको कम करने का काम करता है और मुहासों के जो भी दाग धब्बे होते हैं और जो भी झाइयाँ या झुरियाँ होती हैं हमारी स्किन पे, उसको टमाटर का जूस कम करने में बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और टमाटर जूस हमारी स्किन को फेयर बनाता है, विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच हम ऐड कर लेंगे बेसन पाउडर। बेसन पाउडर भी हमारी स्किन को अच्छे से स्क्रब करेगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और शादियों के सीज़न में वैसे भी हम हाथों पे और पाँव पे भी स्क्रब करने के लिए बेसन को अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने कुछ बूंदे नारियल के तेल की ऐड कर ली हैं। आप चाहो तो इसमें सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ देसी घी ऐड कर सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा टमाटो जूस और ऐड कर सकते हैं या पानी या गुलाब जल मिक्स करके इसको ऐसा पेस्ट बना लेना है जो आसानी से चेहरे पे या हाथों पे पाँव पे अप्लाई हो सके। अगर आप भी जल्द ही दुल्हन बनने जा रही हैं तो आप इसको वीक में एक बार ज़रूर ट्राई करें। 15-20 मिनट के लिए आप चेहरे पे लगाएंगे इसको, उसके बाद नॉर्मल पानी से चेहरा धो लेंगे। उसके बाद अपने चेहरे पे, हाथों पाँव पे आपको मॉइस्चर जरूर लगाना है, जिससे स्किन पे ड्राइनेस ना आने पाए। ये बहुत ही कारगर उबटन है। ऐसी ही टिप्स लेकर फिर आती हूँ, तब तक के लिए थैंक्स।